selling orange drinks. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang, bang, got my hand on the trigger. The devil in orange drinks. Call 911, I'm a killer. फोर के हिसाब से अगर देखा जाए इंडियन मार्केट्स में और इंडियन वेरिएंट्स में स्कूटर सेगमेंट में देखा जाए तो बहुत सारी गाड़ियां पेश हो चुकी है 100 सीसी से लेकर के 155 सीसी के सेगमेंट तक आ चुकी है स्कूटी। लेकिन अगर बात करी जाए, प्रीफर किया जाए तो 100 सीसी से लेकर के 125 सीसी तक ही ऐसी एक गाड़ी होती है जिसको लोग प्रीफर करते हैं सिटी राइड के हिसाब से। अगर सिटी राइड के हिसाब से नहीं देखते हैं, लॉन्ग राइड के हिसाब से देखते हैं तो इसमें आपको प्रीफर किया जाता है कि अच्छा माइलेज देखने को मिल जाए, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, अच्छा कि फैंडी होना चाहिए और फैमिली पर्पस के हिसाब से भी होना चाहिए, बेस्ट बजट तो होना ही चाहिए। और बाकी इसके अलावा हर चीज़ में दमदार हो, दमदार पिकअप हो, दमदार माइलेज हो और दमदार परफॉर्मेंस तो होना ही चाहिए। तो ऐसी लेकर के आ चुका हूँ मैं एक्सेस 125 जो कि अपने सुजुकी की तरफ से आने वाली 2024 में नए कलर नए वेरियंट्स के साथ में आ चुकी है। और इस वीडियो को बनाने से पहले ऑल स्पेशल थैंक देना चाहूँगा त्रिवेणी सुजुकी जो कि अपने गुजरात के वापी में है। और सुजुकी के किसी भी बाइक से या फिर स्कूटर के रिलेटेड में अगर आपको क्वेरी हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही मिल जाएगा। तो मैं आज मैं बात कर रहा हूँ एक्सेस 125 जो कि नए कलर्स नए वेरिएंट्स और नए सेगमेंट में आ चुकी है, तो इसमें क्या कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल जाने वाला है 2024 में और क्यों आपको ये लेनी चाहिए उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले आप देखोगे अट्रैक्टिव कलर इसमें देखने को मिल जाएगा जो कि अभी नया कलर आ चुका है। और एक्सेस 125 मतलब सुजुकी अभी ज़्यादातर अपने ध्यान दे रही है अपने सेगमेंट में और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे ड्यूअल टोन कलर को ज़्यादा पेश कर रही है कंपनी। तो सबसे पहले इस कलर के बारे में बात कर लेता हूँ तो आपको देखने को मिल जाता है मेटेलिक रेड सैरन करके कलर आता है और यहाँ पे पर्ल मिरेज व्हाइट देखने को मिल जाता है। बाकी इसकी प्राइस की बात कर लेता हूँ तो 1,07,300 रुपीज़ ऑन रोड अपने गुजरात के वापी में मिल जाती है। और अगर यहीं पे एक्सेसरीज विदाउट एक्सेसरीज की मैंने बात की, अब एक्सेसरीज के साथ में बात कर लेते हैं तो आपको 1,13,000 देखने को मिल जाती है ऑन रोड अपने गुजरात के वापी की। और अदर स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा अगर आपको जानना होगा तो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ये 2024 में इसको नए कलर नए वेरिएंट्स में आपको देखने को उतार दिया है कंपनी ने। हर बार 2024 हो 2023 हो हर साल कंपनी एक से दो कलर वेरिएंट्स को उतारती है। सुजुकी ज़्यादा फोकस अपने कलर वेरिएंट्स पे करती है। इसके अलावा अगर बात करूँ फ्रंट लुक से देख लेते हो तो आपको वही क्लासिक लुक देखने को मिल जाता है जो कि आपको शुरू से ही चला हुआ आ रहा है BS3 के बाद में BS4 से ही चला हुआ आ रहा है। ये आप जो देख रहे हो ब्लूटूथ एडिशन है, टॉप मॉडल टॉप वेरिएंट देखने को मिल जाता है। ड्रम मॉडल में डिस्क ब्रेक और डिस्क में आपको फ्रंट में देखने मिल जाता है और रियर में आपको ड्रम में ही देखने को मिल जाता है। बाकी फ्रंट लुक से बात करें तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है ये क्रोम पार्ट्स में देखने को मिल जाता है इसके हेडलैम्प के ऊपर में यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है क्रोम पार्ट्स में। क्रोम पार्ट्स का जो जगह जगह पे यूज़ किया गया है थोड़ा सा आपको देखने को स्पोर्टी और क्लासिक लुक देखने को लगेगा। सुजुकी की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे देखने मिल जाते हैं हेलोजन में। यहाँ पे हेडलैम्प जो देखने को मिल जाता है वो आपको देखने को मिल जाता है LED में ही। और यहाँ पे शार्पनेस नाइट विजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है एक्सेस 125 की, थोड़ा सा मतलब फैलता है। अगर इसके कॉन्स की बात करूँ तो हेडलैम्प इसका जो है नाइट विजन में अगर आप लॉन्ग राइड पर कर रहे हो तो आपको एक साथ में आपको फॉग लैम्प भी खरीदना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हेडलैम्प को लेकर के। तो बाकी इसी के साथ में नीचे में आ जाते हो तो आपको थोड़ा सा कट डिज़ाइन देखने मिल जाता है यहाँ पर, और डुअल टोन में देखने मिल जाता है पर्ल मिरेज व्हाइट यहाँ पर देखने मिल जाती है। यहाँ पर देखने मिल जाता है रेड कलर में, ये नेल पॉलिश कलर जैसा दिखते हैं। यहाँ पर आपको फाइबर बॉडी देखने मिल जाती है,
यहाँ पे आपको मेटल बॉडी देखने को मिल जाती है यहाँ पे, और ये देखने को मिल जाता है मैक्सिस के टायर, अभी कंपनी ने इसको दिया है। अलॉयज की बात करूँ तो आपको 1990 12 इंच के अलॉयज के साथ में आ जाती है फ्रंट में, और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ में आप देखते हो तो मतलब इस सेगमेंट में, और लतखोर बोली जाए तो लतखोर भी एक सेगमेंट की ये गाड़ी रह चुकी है। बाकी इसी के साथ में अब कंफर्टनेस की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो कंफर्टनेस में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा सीट देखने को मिल ही जाता है यहाँ पे, चार लोगों के सीट बैठने की आराम से देखने को मिल जाती है। एक्सेस 125 की बैंडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और ये आपको 3D एनवलप में किया गया है, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा अंदर में ये किया गया है, 2023 के लास्ट में अपडेट ये आया था। और एक्सेस 125 के नीचे में देखोगे तो राइट कनेक्ट एडिशन देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लूटूथ टॉप मॉडल में टॉप वेरिएंट में ही देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आप देखोगे तो क्रोम पार्ट्स में आपको देखने को मिल जाता है मिरर्स, जो कि आपको राउंड शेप में देखने मिलते हैं, और इसी के डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है थोड़ा सा वाइट कलर में देखने मिल जाएगा। और माफ़ करना ज़्यादा आपको आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि भाई भी साइड में हाईवे है, हाईवे भी दिखा देना एक बार, तो यहाँ पे गाड़ी का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा शोर शराबा रह रहा है, तो अभी उसको थोड़ा इग्नोर करना। बाकी यहाँ पे फ्रंट में बात कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट एडिशन के साथ में आ जाता है, तो यहाँ से सीट की बात कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको जो सीट देखने को मिल जाता है बूट स्पेस, आपको 12 liters का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको हाफ फेस का हेलमेट आराम से देखने को मिल जाएगा। आपको 4.8 liters का टैंक देखने को मिल जाता है यहाँ पे, मतलब 5.2 का लीटर आता है, लेकिन रिजर्व में अगर बात करूँ तो 4.8 liters के साथ में इसका टैंक देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। आराम से गैस का बाटला इस सेगमेंट में 125cc सेगमेंट में आप देख लो तो आराम से गैस का बाटला भी यहाँ पे आ जाता है, मतलब फैमिली पर्पज़ के हिसाब से देखने जाए या फिर कॉलेज स्टूडेंट के यहाँ हिसाब से देखने जाए तो यहाँ पे चार लोग के सीटने के बैठने की सीट भी यहाँ पे देखने मिल जाती है। इसको मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, बाकी वही आपको मीटियर देखने मिल जाता है जो कि ये पहले से ही चला हुआ आ रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी साथ में, यहाँ पे आपको टाइम इंडिकेटर शो करता है, यहाँ पे आई बटन देखने मिल जाता है, कॉल नेविगेशन कॉल मैसेजेस कोई आता है अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखते हो तो आपको ये ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा। बाकी यहाँ से आपको सेल्फ का बटन देखने मिल जाएगा। अब मैं इसको एक बार ऑन करके सुनाता हूँ कि पहले से क्या इसका स्मूथनेस रह गया है। तो मतलब जो साइलेंट स्टार्ट आया था 2024 के फर्स्ट में आया था, और धीरे धीरे कंपनी यहाँ पे बदलाव देती है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है सुजुकी का कि क्योंकि सारी कंपनियाँ जब दे चुकी होती है तब सुजुकी जाकर के देता है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और वापस बुलाने के लिए। तो बाकी ये साइलेंट स्टार्ट अब भी जाके आया था थोड़े दिन पहले, और उसके पहले ये साइड स्टैंड कटअप सेंसर देखने को मिला था, तो ये पहले से नहीं आ रहा था जब 2019 के फर्स्ट में जब चालू हुआ था अपने अप्रैल में BS6 मॉडल, तब नहीं आया था। BS6 OBD2 के साथ में आता है, और नॉर्म्स की बात करूँ यहाँ पे 56 KMPL की माइलेज यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है, लेकिन अपने को 50 KMPL की माइलेज आराम से मिल जाती है अगर आप अच्छे कंडीशन में चलाते हो सिटी में या फिर हाईवे में। यहाँ पे टॉप मॉडल में जाते हो तो यहाँ पे आप देखोगे तो लाइट जलता हुआ नज़र आएगा, मैं इसको ऑन करूँगा तो लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट पहले से ही देखने को मिलता है। इसी के साथ में बस आपको USB टाइप बी टाइप सी कोई भी लगाना है और बस लॉन्ग राइड के लिए निकल जाना है। यहाँ पे हुक के लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगेज कैरी करने के लिए मतलब छोटा सा थैली वैली यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाता है लगेज कैरी करने के लिए हुक स्पेस। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे छोटा सा बोतल कैरी करने के लिए आपको पॉकेट देखने मिल जाता है 1.2 liters का। वीडियो बना रहा हूँ, बाकी अब आप बाहर में देखोगे तो एक्सटर्नल फ्यूल फिलर यहाँ पे देखने मिल जाता है कैप यहाँ पे, और यहीं से आपको खोल करके देखना है। बाकी रियर में आ जाते हो तो रियर में आपको देखने मिल जाता है हेलोजन में ही आपको राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स देखने मिल जाते हैं। आपको ये जो टेल लैम्प देखने मिल जाता है वो भी आपको बल्ब में ही देखने को मिलता है, लेकिन आप मतलब नाइट विजन के हिसाब से देखने जाए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। और रियर की बात करूँ तो आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन। यहाँ पे अगर एग्जॉस्ट नॉट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्रोम पार्ट्स में मफलर देखने को मिल जाते हैं इसके, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव लगता है थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं पे जो टच है वो देखने को मिलता है। 1910 इंच के अलॉय के साथ में आपको देखने को मिल जाते हैं रियर में टायर, मैक्सिस के ही टायर आपको देखने को मिल जाते हैं, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। अगर इसी के साथ में आ जाता हूँ यहाँ पे तो आपको देखने को मिल जाता है गीक का भी ऑप्शन, और ये डबल स्टैंड पे लगाते हो तभी ये ऑन होता है। तो बाकी कैसी लगी आप लोग जरूर बताना, बाकी सुजुकी ESP टेक्नोलॉजी के साथ में आता है तो रिफाइनमेंट इंजन तो आपको देखने को मिल ही जाता है।
तो बाकी यही सिंपल सा शॉर्ट सा वीडियो था, और बाकी आई होप कि मैंने सारे चीज़ मैंने कवर कर लिए हैं। अगर मुझसे कुछ छूट गया होगा तो आप लोग बताना कमेंट में, मैं आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और बाकी स्पेशल थैंक देना चाहूँगा फिर से एक बार त्रिवेदी सुजुकी, जिन्होंने अपने बाइक स्कूटर प्रोवाइड करी हमें। तो बाकी विजिट करना ना भूले अपने नियरेस्ट शोरूम पे। मिलता है कुछ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून, जय हिंद जय भारत।